बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश 5 2 2। इसका लेक्चर नंबर 1 हेडिंग का, इसकी इंट्रोडक्शन अप्लाइड लिंग्विस्टिक 1। इसमें आप जो है इस बुक में टोटली आप अप्लाइड लिंग्विस्टिक के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया गया है। और अप्लाइड लिंग्विस्टिक का पहले चैप्टर में इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है। आगे इसकी आउटलाइन है। आउटलाइन में क्या दिया गया है, इंट्रोड्यूसिंग अप्लाइड लिंग्विस्टिक विगो कुक एंड अलान कैथी, इन्होंने जो है ये इंट्रोड्यूस करवाई थी अप्लाइड लिंग्विस्टिक। और इसमें चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो सारा इस आउटलाइन में बताया गया है कि लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे, और लिंग्विस्टिक क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, और लिंग्विस्टिक का स्कोप क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, और लिंग्विस्टिक और अप्लाइड लिंग्विस्टिक में क्या डिफरेंस है और इनका क्या रिलेशनशिप है इसके बारे में पढ़ेंगे हम। और अप्लाइड लिंग्विस्टिक में जो प्रॉब्लम आती है उसको हम कैसे सोल्व करते हैं वो उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम। और इनके अलावा इसको अप्लाई करने के कौन से मेथड होते हैं, कैसे हम अप्लाइड लिंग्विस्टिक को अप्लाई करते हैं, तो वो इसमें पढ़ेंगे। आगे हमारे पास टॉपिक 1 आ जाता है, इंट्रोडक्शन टू द कोर्स। अब सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन में यही है कि आप अप्लाइड लिंग्विस्टिक को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन में यही है कि आप एक लैंग्वेज के किस तरह एक लैंग्वेज को बोल सकते हैं, और आप किस तरह उसके वर्ड्स प्रोनाउंस करते हैं, और किस तरह उसको ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट और सेमेंटिकली बिल्कुल करेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरह आप जो है वो एक लैंग्वेज को ईजिली बोल लेते हैं, और इसके बारे में हम सारे पढ़ेंगे, और उसमें क्या मुश्किलात आ रही होती हैं जब आप इस चीज़ें सीख रहे होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इधर दिया था, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक प्रोक्लेम्स अप्लाइड लिंग्विस्टिक इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ रिसर्च एंड। अच्छा, इसमें जो है वो एक अप्लाइड लिंग्विस्टिक जो है वो आपके एक आपकी ऐसी साइंटिफिक ब्रांच होती है, लिंग्विस्टिक की एक ऐसी साइंटिफिक ब्रांच होती है जो डील करती है आपके डेली प्रॉब्लम्स को डील करती है। मतलब आप जो भी आप डेली लाइफ में कभी प्रॉब्लम्स हैं उसको फेस कर रहे होते हैं, उनको प्रॉब्लम को सोल्व करना जो होता है वो अप्लाइड लिंग्विस्टिक होता है, ठीक है। उनको फेस करना अप्लाइड लिंग्विस्टिक होता है। जैसे कोई भी चीज़ होती है वो आपको थ्योरीज की सूरत में दे दी जाती है, और थ्योरी की सूरत में जब आप उसको डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं तो वो आपकी अप्लाइड लिंग्विस्टिक होती है, ठीक है। अब इधर आ जाता है, इधर वर्ड आया इंटरडिसिप्लिनरी। ऐसी लिंग्विस्टिक की बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, ठीक है। उनमें से एक जो ब्रांच है वो हमारे पास अप्लाइड लिंग्विस्टिक की ब्रांच है, इसलिए इसको इंटरडिसिप्लिनरी बोलते हैं। और डील विद द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, जो भी आपके कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही होती हैं, आपके डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स, जो भी मसले मसाइल आ रहे होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए ये जो है वो अप्लाई की जाती है, ठीक है। लिंग्विस्टिक में डेवलप न्यू थ्योरेटिकल एंड मेथोडोलॉजी फ्रेमवर्क इन लिंग्विस्टिक टू वर्क टू दिस ऑन दिस प्रॉब्लम्स, ठीक है। इसलिए ज़्यादा मेथोडोलॉजी कोई भी लॉजिकल और फ्रेमवर्क इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और इससे आप न्यू प्रॉब्लम जो भी होती है उनको सोल्व किया जाता है। द आई एल डेफिनेशन इज बहुत ब्रॉड इंक्लूडिंग प्रिवेंशन एंड डिफरेंस। अच्छा, इसमें यही बात थी कि आपकी अब बहुत सारी इंटरनेशनल एसोसिएशन अप्लाइड लिंग्विस्टिक की बहुत सारी आपको डेफिनेशन बताई गई हैं, ठीक है। जो भी आपकी बस मेन यही याद रखना है, आपने कोई जो भी कम्युनिकेशन में आपका डिसऑर्डर आते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है कम्युनिकेशन में या डेली लाइफ में, कोई भी आप बात कर रहे हैं किसी से या कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप उसको सोल्व करना जो होता है वो एक जो है प्रॉब्लम को डील करना जो है वो आपके पास अप्लाइड लिंग्विस्टिक आती है, ठीक है। व्हाट इज़ लैंग्वेज एंड व्हाट इज़ लिंग्विस्टिक। अब हमारे पास लैंग्वेज क्या होती है, लिंग्विस्टिक क्या होती है। लैंग्वेज जो होती है वो हमारे पास एक कम्युनिकेशन का एक जो है वो ज़रिया होती है, ठीक है, जिससे आप अपने जज्बात और एहसास दूसरों तक पहुँचा रहे होते हैं वर्ड्स की सूरत में। अब जो भी आपके लैंग्वेज के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं उसको सॉल्व करना वो आपकी लिंग्विस्टिक है, अप्लाइड लिंग्विस्टिक है, ठीक है। अब जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको सॉल्व करना आपके उसको डील करना जो है वो आपके अप्लाइड लिंग्विस्टिक में आता है। लैंग्वेज एज मीनिंग, लैंग्वेज होती है वो मीनिंग के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। लैंग्वेज एज साउंड, लैंग्वेज एज फॉर्म, लैंग्वेज एज कम्युनिकेशन, लैंग्वेज एज आइडेंटिटी, लैंग्वेज एज हिस्ट्री, ठीक है। इन सब के लिए आप लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। साउंड होती है कोई भी, उसके लिए उसमें लैंग्वेज इस्तेमाल होती है। आप कोई भी चीज़ आपकी आइडेंटिटी है उसमें आप जब किसी को आइडेंटिटी बताएंगे, जाहिर आप बोल के बताएंगे तो वो आपकी लैंग्वेज है, चाहे उर्दू में बताएं चाहे इंग्लिश में बताएं, तो वो आपकी एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज एज ए हिस्ट्री, लैंग्वेज होती है वो एक तारीखी होती है। और लैंग्वेज एज सिंबल, कोई भी लैंग्वेज होती है वो सिंबल के तौर पे भी इस्तेमाल होती है,
दिस कैन बी समराइज इन थ्री रैदर डिफरेंट कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ लैंग्वेज. अब हमारे पास थ्री जो है वो डिफरेंट बताए गए हैं कंसेप्चुलाइजेशन में कि एज अ पार्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बेस्ड ऑन द बायोलॉजिकल रूल जो है वो आपका डिफरेंट कॉन्सेप्चुअल ऑफ लैंग्वेज रिलेटेड टू वेरी डिफरेंट मेथोलॉजी प्रसप्टिव विच टू गैन कॉन्स्टेंट टू द फील्ड ऑफ लैंग्विस्टिक. टूडे द फॉलोइंग आर सम ऑफ द कॉमनली अकरिंग टर्म ऑफ डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ लैंग्विस्टिक. वही बात है कि आप जो भी प्रॉब्लम्स डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं तो उसके लिए आप डिफरेंट मेथड अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है, उसको प्रॉब्लम को डील करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. और इनके डिफरेंट ब्रांचेज होती हैं लैंग्विस्टिक की, जैसे थ्योरेटिकल लैंग्विस्टिक होगी, फॉर्मल लैंग्विस्टिक होगी, ठीक है. थ्योरेटिकल में होती है, थ्योरेटिकल लैंग्विस्टिक ऐसी ब्रांच होती है लैंग्विस्टिक की जिसमें आप जो भी थ्योरीज जो बुक के अंदर दी होती हैं उसको जब भी आप रीड कर लेते हैं तो वो आपको थ्योरेटिकल होती हैं, मतलब जो भी आप उसको डेली लाइफ में अप्लाई नहीं करते, लेकिन उसमें बुक में जो भी आपकी थ्योरीज दी होती हैं आप उसको रीड करते हैं वो आपकी थ्योरेटिकल अप्लाई होती है, ठीक है. लेकिन उन थ्योरीज को डेली लाइफ में अप्लाई करना वो आपके पास होती है अप्लाइड लैंग्विस्टिक. और उसके बाद फॉर्मल लिंग्विस्टिक, डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक, हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक, सोशल लिंग्विस्टिक, साइकोलॉजिकल लिंग्विस्टिक, न्यूरो लिंग्विस्टिक, ये सारी एक लिंग्विस्टिक की ब्रांचेज हैं, ठीक है. और सोशल हिस्टोरिकल मतलब हिस्ट्री के बारे में होता है, आपने हर किसी भी चीज़ की हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, वर्ड्स की हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, या कुछ आपने लैंग्वेज की हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है वो आ जाता है. सोशल लिंग्विस्टिक हमारे सोशल के बारे में, साइको लिंग्विस्टिक आपके जो होते हैं वो मेंटल लेवल के ऊपर स्टडी जो होती है, ठीक है, माइंड पे. और न्यूरो लिंग्विस्टिक है, टेक्निकल, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक लिंग्विस्टिक की ब्रांचेस आपको दी गई हैं. आगे टू दिस कैन बी सब ब्रांचेस जो होती हैं वो आपके पास फोनेटिक्स होती हैं, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सेमांटिक्स, प्रैग्मेटिक्स एंड डायलेक्टोलॉजी, डिस्कोर्स एनालिसिस, ये सारी जो होती हैं ये सब ब्रांचेस होती हैं, ठीक है. फोनेटिक्स में और फोनोलॉजी में, इन दोनों में हम जो है वो एक आवाज़ के मुतलिक पढ़ते हैं, साउंड्स के मुतलिक पढ़ते हैं, जैसे वर्ड्स की साउंड्स होती हैं, अल्फ़ाबेट्स की साउंड्स होती हैं, ठीक है. और मॉर्फोलॉजी में इनको जो है वो साउंड्स को इकट्ठा किया जाता है, वर्ड्स में पढ़ते हैं, ठीक है. वर्ड्स मतलब एक साउंड्स को मिला के एक वर्ड बना लिया जाता है, तो वह हम वर्ड को पढ़ते हैं. और सिंटैक्स में हम लोग जो है उस वर्ड की स्टडी करते हैं, उसको प्रोनाउंस करते हैं उसको बिल्कुल, और उसको उसकी स्टडी करते हैं. सेमांटिक्स में वर्ड्स को जोड़ के जो है वो सेंटेंस बना दिए जाते हैं, ठीक है. मतलब ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें आ जाती हैं. और फिर आगे प्रैग्मेटिक्स जो होती है वो आखिरी चीज़ होती है जिसमें हम लोग उसकी जो भी हमने सेंटेंस बनाया होता है उसको एनालाइज करना होता है कि हमने ग्रामेटिकली सिमेंटिकली ठीक बनाया कि नहीं बनाया, इसका मायने क्या है, ठीक है, और किस सिचुएशन में क्या हमने लिखना है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है. आगे हमारे पास आ जाते हैं इसमें बस अप्लाई लैंग्विस्टिक के बताया गया कि आपको बहुत ज़्यादा जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सोल्व करने के लिए आप जो है वो अप्लाई लैंग्विस्टिक इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है. और अपना लैंग्विस्टिक फील फ्री ड्रा ऑन ऑलमोस्ट एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन नॉलेज एंड यूज़ आइडियाज़ फॉर फिलोसफी. अच्छा, बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं फिलोसफी, एजुकेशन, साइकोलॉजी पर, ठीक है. वो आपके पास जो होती है वो अप्लाई लैंग्विस्टिक होती है. बात याद करने वाली है वो यही है कि आपके पास लैंग्वेज और आपको लैंग्विस्टिक का फ़र्क पता होना चाहिए. लैंग्वेज वो होती है जिसके ज़रिए आप लोगों से कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, आप अपने जज्बात एहसास का इजहार जो होता है वो वर्ड्स की सूरत में दूसरों तक पहुँचा रहे होते हैं, ठीक है. और उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं उनको डील करने के लिए हम लैंग्विस्टिक का इस्तेमाल करते हैं. बाकी ये आपको ब्रांचेस बताई गई हैं और इसके बारे में बताया गया है, ठीक है. बिन बॉम्पटन डिस्क्राइब अप्लाइड लैंग्विस्टिक एज एन ओपन फील्ड ऑफ इंटरेस्ट इन लैंग्वेज, ठीक है. ये आपने याद रखना है, बिन बॉम्पटन ने 1997 से जो है वो अप्लाइड लैंग्विस्टिक को डिफाइन किया था, ठीक है. ओपन आगे हमारे पास द नीड एंड स्कोप ऑफ अप्लाइड लैंग्विस्टिक. अब इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई थी, ठीक है, और इसका स्कोप क्या है लैंग्विस्टिक का, अप्लाइड लैंग्विस्टिक का. अप्लाइड लैंग्विस्टिक थ्योरेटिकल टर्म दैट कवर्स इंडिस्ट्रिक्टली डोमेन टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम इन द यूज ऑफ लैंग्वेज इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट सच एज ट्रांसलेशन, लिटरेसी, लैंग्वेज एजुकेशन. अच्छा, इसमें वही बात है कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और इसमें जो है कभी आप नया तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं कि चीज़ों को ट्रांसलेशन करके उसका मसले का हल निकाल रहे होते हैं, लिटरेसी से निकाल रहे होते हैं, ठीक है. वो तो मुख्य तरह से उस आप सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है. एप्लीकेशन लैंग्वेज, द स्कोप ऑफ अप्लाइड लैंग्विस्टिक कैन बी समराइज एज फॉलो. अब आपको स्कोप बताया गया है लैंग्विस्टिक का,
इसमें क्या है, लैंग्वेज एंड टीचिंग दिस कवर्स द अप्रोचेस एंड मेथड्स विच आर यूज टीचिंग सेकंड लैंग्वेज। इसमें जो लैंग्वेज होती है वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं टीचिंग में, ठीक है, किसी को कुछ सिखाने के लिए लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एंड सोसाइटी मतलब लैंग्वेज का और सोसाइटी के साथ कैसा रिलेशनशिप होता है आपका, ठीक है, आप एक सोसाइटी के अंदर जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपकी एक नेटिव होती है, किसी को क्वेश्चन आंसर करने के लिए, आप बातचीत करने के लिए जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर, उसका और लैंग्वेज का कैसा रिलेशन होता है उसके बारे में आप पढ़ते हैं। अभी लैंग्वेज एंड एजुकेशन, लर्निंग के एजुकेशन में उसका क्या स्कोप होता है, लर्निंग में, लर्निंग प्रोसेस में लैंग्वेज का क्या किरदार होता है, कैसे आप जो है वो एक लैंग्वेज के थ्रू कुछ लर्न कर रहे होते हैं। फिर लैंग्वेज वर्क एंड लॉ, किस तरह आप जो है वो कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, प्लान कर रहे होते हैं फ्रेंड्स के वर्क के बारे में, ठीक है, और उसके क्या उसके लॉज होते हैं उसको स्टडी करने के, वो चीज़ आ जाती है। लैंग्वेज इन्फॉर्मेशन एंड इफेक्ट आ जाता है कि किस तरह आप दूसरों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हो, किस तरह वो आप इफेक्ट कर रही होती है उसको, जब भी आप ट्रांसलेशन करते हैं लैंग्वेज को, अगर कोई आपको बात बता कह देता है तो उसको ट्रांसलेशन करना, फिर आप उसके बारे में सोचते हो, इन्फॉर्मेशन लेते हो, ठीक है, तो मतलब उसके बारे में सोचना, किस तरह आप सोचते हो, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। आगे हवा स्पेसिफिक एम्प्लॉयज से इंडिविजुअल विद स्पेसिफिक स्किल्स और स्पेसिफिक जो जैसे एम्प्लॉयज के पास जो होती हैं वो स्पेसिफिक जॉब के लिए स्पेसिफिक स्किल्स होती हैं, ठीक है, उसके बारे में उसको नॉलेज होता है उसमें, और उसको इतनी वो इतना एबल होता है कि उसके जो है वो उस काम को कर सके। अनएम्प्लॉयज वांट टू विद द एबिलिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स क्लियरली, और उसके अलावा सारे एम्प्लॉयज जो होते हैं वो चाहते हैं इतने वो चाहते हैं कि वो भी इतने जो है वो काबिल हो सकें और सारी चीज़ों को अच्छे से सोल्व कर सकें, प्रॉब्लम को हल कर सकें, ठीक है, सोल्यूशन इनका निकाल सकें, और हाई वो भी चाहते हैं कि वो हाई स्किल हो, ठीक है, दिस स्किल्स आर सेंट्रल टू स्टडी ऑफ अप्लाइंग, ये जो स्किल होती है ये आपके पढ़ाई लिंग्विस्टिक होती है, ठीक है। जैसे स्टूडेंट्स हैं उनको जो जब भी वो एजुकेशन हासिल कर रहे होते हैं या कोई काम वगैरह करते हैं उनको हर चीज़ जो है वो सिखाई जाती है, ठीक है, और सिखाने के बाद जब वो अपनी डेली लाइफ में उन चीज़ों को जो है वो अप्लाई करते हैं तो वो आपका प्लान लिंग्विस्टिक में आ जाता है, जो भी उनके पास नॉलेज होता है या चीज़ों उनको जो उनमें प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं डेली लाइफ में यूज़ करते वक्त, तो उनको सोल्व करना जो होता है वो आपका अप्लाइड लिंग्विस्टिक होता है, ठीक है। और इसमें जो होते हैं वो कोर्स मैनी अदर प्रोफेशन दे आर कंसर्न विद लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन अप्लाइड लिंग्विस्टिक ग्रेटर्स कैन एंटर। अच्छा, इसमें जो होता है वो अप्लाइड लिंग्विस्टिक के आपको प्रोफेशंस बना के देती हैं कम्युनिकेशन के, ठीक है, और इनके ग्रेडेड्स वगैरह भी जो है वो बना के दे दिए, एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव, एडवर्टाइजिंग असिस्टेंट, बाइलिंगुअल असिस्टेंट, कैंपेन कोऑर्डिनेटर, टीचर ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, टीचिंग असिस्टेंट। इसमें जो होता है प्रोफेशन के लिहाज से आपको जो है अप्लाइड लिंग्विस्टिक के बारे में अलग अलग करके बताया गया है इस पैराग्राफ में, ठीक है, उनके ग्रेड्स वगैरह में बताया गया है।